हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज आइरीन एंड यू आर वाचिंग इंडियन यूट्यूबर आइरीन। आज मैं शेयर करूंगी चितोल फिश की रेसिपी सिंपल एंड इजी वे में। ये कुछ चितोल फिश के पीसेस है जिसको मैंने वॉश करके रखा है। पहले एक पेस्ट बना लेते हैं प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च का। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने ज़ीरा डाला है। उसके बाद ये जो पेस्ट था अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का, इसको मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी ऑयल सेपरेट होने तक। उसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसका पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसे भी मैं मसाले के साथ फ्राई करूँगी जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते हैं। अभी मैं दही ली हूँ और दही में मैं टर्मेरिक पाउडर, हल्दी जो है उसे डालूँगी, हल्दी पाउडर। उसके बाद रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी और ब्लैक पेपर पाउडर, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी दही के साथ और इसे भी मैं उसी मसाले में डाल दूँगी थोड़ा सा पानी मिला के। तो मैंने जो दही का पेस्ट है मैंने इसमें डाल दिया है। इसे थोड़ी देर फ्राई करूंगी, इसमें भी ऑयल सेपरेट होगा। मैं 1 मिनट के लिए इसे कवर कर लूंगी। अभी देखिए इसमें से भी ऑयल निकल आया है। देखिए ऑयल बिल्कुल निकल आए हैं इसमें, इसका मतलब है कि ये मसाले अच्छी तरह कुक हो गए हैं। मैंने चितोल फिश को पहले फ्राई नहीं किया था, अभी मैं इन मसालों के साथ इसे फ्राई करूंगी। चितोल फिश जो होता है बहुत ही सॉफ्ट फिश होता है, इसका अपना ही अलग टेस्ट होता है, इसलिए इसे जितने कम मसाले में बनाएंगे इसका टेस्ट और निकल के आता है। ज़्यादा मसाले दे देने पर इसका मतलब जो टेस्ट होता है वो, मतलब फिश का जो टेस्ट होता है वो निकल के नहीं आता है। अभी मैं मसाले के साथ पहले इसे फ्राई कर लूंगी, पहले कोट कर लूंगी मसाले के साथ, उसके बाद 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगी ताकि मसाले इसके अंदर चले जाए। देखिए मैंने मसाले इसके साथ कोट कर दिया है और इसे कवर कर लूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद देखिए मसाले के साथ फ्राई हो गए हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी ताकि ये मसाले अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, और इसे फिर 5 मिनट्स के लिए कवर करके रखूंगी। ये देखिए मेरे चितोल फिश सिंपल एंड इजी वे में बनके तैयार है। ये रहा मेरा चितोल फिश रेडी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।